सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फास्टर 24/7 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे महत्वपूर्ण एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है स्टडी फास्टर 24/7। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शॉर्ट एसे जिसका टॉपिक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दोस्तों, यह एसे का टॉपिक जो है आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो एसएच पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अतः आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और इसका लाभ उठाइए। आने वाले समय में एसएससी सीएचएसएल का और उसके बाद एसएससी एमटीएस का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा तो उसमें ये पूछा जा सकता है। करंट अफेयर का टॉपिक है, ये प्रधानमंत्री की स्कीम का टॉपिक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जा सकता है इसको, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स अक्सर पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस ऐसे को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार है, अनिश्चितताओं से भरा कृषि क्षेत्र और उस पर मौसमी दशाओं का परिवर्तन, हर तरफ से कृषि क्षेत्र प्रभावित रहता है। दोस्तों, कृषि क्षेत्र में अनिश्चितताएं भरी रहती हैं और मौसम के ऊपर निर्भर करता है, मौसम खराब हुआ तो कृषि खराब हो जाती है, इस प्रकार कृषि का क्षेत्र बहुत प्रभावित रहता है। आगे बढ़ते हैं, इन्हीं अनिश्चितताओं को ध्यान में रखकर 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, तदुपरांत 2010 में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत हुई। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को आपदाओं से फसल के नष्ट होने पर क्षतिपूर्ति हेतु फसल बीमा का प्रबंध किया गया था। दोस्तों, इसके पहले दो योजनाएं शुरू की गई थी, 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, उसके बाद 2010 में उसको संशोधित करके उसकी योजना आई थी संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। इन योजना के माध्यम से किसानों को आपदाओं से फसल के नष्ट होने पर क्षतिपूर्ति हेतु फसल बीमा का प्रावधान था, इसमें प्रबंध किया गया था, परंतु ये योजनाएँ अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सकें। अंततः इन योजनाओं में सुधार करके भारत सरकार द्वारा 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। दोस्तों, ये जो योजनाएं थीं इसके पहले आई थीं ये सफल नहीं हो सकी थी अपने लक्ष्य में, तो इनमें जो कमियां थीं उनको दूर करते हुए इनको और सरल बना के जो किसान के लिए उपयोगी हैं, किसान इनको कैसे प्राप्त कर सकता है इस योजना को, तो ऐसा एडजस्ट करके एक नई योजना बनाई गई है, 13 जनवरी 2016 को घोषित हुई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये रहा दोस्तों इंट्रोडक्शन, आगे बढ़ते हैं इसके उद्देश्यों को जानते हैं अगले पैराग्राफ में। इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में प्राकृतिक आपदाओं, कीटों व बीमारियों से फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना। दोस्तों, इसका प्रमुख उद्देश्य जो है, प्राकृतिक आपदा कोई आ जाती है जैसे बाढ़, सूखा, तूफान इस तरह का, और कीट जैसे लग जाते हैं फसलों में, बीमारियां फसलों में आ जाती हैं तो उनसे फसलें ख़राब हो जाती हैं, तो उसकी क्षति जो होती है उसकी पूर्ति के लिए किसानों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना इसका लक्ष्य है। अगला है, कृषि में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कृषकों की आय में स्थायित्व लाना। जैसे कृषि में निरंतरता होगी, कृषकों की आय में स्थायित्व आएगा कि मतलब कि नुकसान हो गया, कृषकों की आय में कुछ भी नहीं आया तो कृषक जो हैं खेती आगे से नहीं करेंगे, तो उनको एक निरंतरता कृषि में आनी चाहिए और उनकी आय में स्थायित्व आना चाहिए, इसके लिए ये प्रबंध किया गया इस योजना का। आगे है, और कृषकों को आधुनिक व उन्नत विधियों से को अपनाने हेतु प्रेरित करना है। अब कृषि आधुनिकता के आधार पर होगी तो कृषि का उत्पादन अधिक होगा, कृषकों की आय अधिक होगी, इसलिए आधुनिक व उन्नत कृषि विधियों को अपनाने हेतु प्रेरित करना है इस योजना का उद्देश्य। आगे है, इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्न फसलें, तिलहन, वाणिज्यिक फसलें व बागवानी फसलें शामिल हैं। अब प्रश्न है कि इस योजना में कौन कौन सी फसलें शामिल की गई हैं, तो इस योजना में लगभग सभी फसलें, खाद्यान्न फसलें, तिलहन फसलें, वाणिज्यिक फसलें व बागवानी शामिल हैं। अब जोखिम कौन कौन से हैं, किस प्रकार इसमें बीमा कवर मिलेगा, तो उसमें आगे देखते हैं, इन फसलों के जोखिम में तूफान, बाढ़, आगजनी, सूखा तथा कीटों व बीमारियों से होने वाली क्षति में किसानों को भुगतान का प्रावधान है। अब जैसे तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, आगजनी, सूखा या कीट या बीमारियों से किसानों की फसल खराब हो जाए तो उसमें क्षतिपूर्ति का प्रावधान है, उनको किसानों को भुगतान किया जाएगा इसके लिए। इसके अलावा विपरीत मौसम की स्थिति में बुआई न होने पर, अब जैसे बुआई का समय है, मौसम विपरीत हो गया,
ठंड पड़ गई एकदम से या बरसात एकदम से हो गई तो किसान फसल नहीं बो पाता है ऐसी स्थिति में, और आगे फसल कटने के पश्चात 14 दिन तक खेत में रहने की स्थिति में किसी आपदा से हुई हानि। अब जैसे फसल कटने के बाद कुछ समय के लिए खेत में रखी जाती है, तो मैक्सिमम 14 दिन का रखा गया कि अगर इस दिन 14 दिन के अंदर फसल कटने के बाद नुकसान होता है, आपदा कोई आती है, तो उसमें भी बीमा का कवर मिलेगा। जिन पर कृषकों को बीमा राशि का भुगतान किया जाता है तो ऐसे में बीमा कवर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, इस योजना में कृषकों द्वारा देय प्रीमियम राशि को काफ़ी कम कर दिया गया है। इस योजना में प्रीमियम राशि खरीफ फसल के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% तथा वाणिज्यिक फसलों व बागवानी फसलों के लिए 5% है। इसमें जो प्रीमियम की राशि है किसानों के लिए बहुत कम है। अगर देखें तो खरीफ की फसल के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% तथा वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए 5% है। प्रीमियम राशि बीमित राशि या अनुमानित भावी क्षति के आधार पर तय होती है। जो प्रीमियम की राशि होती है तो वो बीमित राशि किसान कितना बीमा कराना चाहता है अपनी फसल का, या अगर कोई क्षति होती है तो कितनी क्षति होगी, तो उस आधार पर ये जो राशि है वो तय होती है। इस योजना का क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। इसका जो क्रियान्वयन है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के जो इसका विभाग है सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, उसके द्वारा किया जाता है। अब इसमें बात आती है आवंटन कितना किया गया है पैसे का। तो वर्ष 2018-19 के लिए इस योजना में 13,000 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए हैं, जो 2017-18 के आवंटन 9,000 करोड़ से लगभग 44% अधिक हैं। इसमें 2018-19 के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, 2017-18 के लिए आवंटित किए गए थे 9,000 करोड़, जो लगभग 44 करोड़, जो 44% जो है पिछली बार से इस बार 2018-19 के लिए अधिक है। आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। देश की लगभग 55% आबादी की आजीविका कृषि पर आधारित है और कृषि सर्वाधिक जोखिम और अनिश्चितता से भरा क्षेत्र है। अतः कृषकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक उपयुक्त योजना है। देश की लगभग आधी आबादी, 55% आबादी कृषि की, उसकी जीविका जो है कृषि पर आधारित है, तो उसकी जीविका अगर कृषि पर आधारित है तो कृषि में स्थायित्व तो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फसल आए, फसल खराब हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, तो उसमें बीमा होना चाहिए तो कृषकों के जीवन में सुधार आएगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक उपयुक्त योजना है। यह योजना किसानों के हितों को अधिकतम रखते हुए तैयार की गई पूर्ववर्ती योजनाओं से श्रेष्ठतर योजना है। इस योजना जो लॉन्च की गई तो इसके पहले जो योजनाएं थी इसी प्रकार की, उनमें जो कमियां थी उनको दूर किया गया, उसको और श्रेष्ठ बनाया गया, तब ये योजना तैयार हुई है। आगे है, समग्र दृष्टि से देखने पर यह योजना किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी प्रतीत होती है। अगर समग्र दृष्टि से देखा जाए तो यह योजना किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी होगी, क्योंकि फसल का कवर मिलेगा। इससे अच्छा किसान के लिए क्या हो सकता है, बीमा कवर अगर मिल जाए तो उसके लिए कोई रिस्क नहीं होगा फसल के लिए। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट ऐसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।